आज 4 अक्टूबर है, आज हम देखने वाले हैं 4 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, तो उन सभी को हम देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, किस देश ने गांधी जी के 151वीं जयंती पर संगीत में श्रद्धांजलि प्रदान की। अभी जो महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया गया, इसके लिए आपको अमेरिका में जो है आपको गांधी जयंती के शुभ अवसर आपको संगीत में श्रद्धांजलि दी गई गांधी जी को। कहाँ पर था आपको? अमेरिका में दी गई, अमेरिकी दूतावास में, वाशिंगटन में। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, शौर्य नामक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। अभी आपको हाल ही में शौर्य नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया आपको उड़ीसा में किया गया। कहाँ पे किया गया है? आपको उड़ीसा में किया गया है। अच्छा, उड़ीसा का पूरा नाम क्या है? उड़ीसा का पूरा नाम है आपको कलिंग। आपको प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी आपको भुवनेश्वर, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। ये मिसाइल जो आपको ज़मीन पे गिराने में 800 किलोमीटर के रेंज में जितने भी मिसाइल होंगे उन सभी को, यानी कि अपने लक्ष्य को वो 800 किलोमीटर के रेंज में वो अपने ज़मीन पे गिराने में सक्षम होगी। इस मिसाइल का नाम क्या है? शौर्य है, जो कि आपको उड़ीसा में आपको इसका सफल परीक्षण किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है। आपको अभी हाल ही में हैदराबाद में टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है। आपको जितने भी सड़क पर चलने वाले वाहन होते हैं उसमें आपको जो है टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो इन सभी परेशानियों को देखते हुए आपको ये व्यवस्था की गई है। कहाँ पे? तो हैदराबाद में ये की गई है। उसके बाद अगला आपको, इंडिया टुडे हेल्थ ग्री पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया। आपको हाल ही में केरल को इंडिया टुडे हेल्थ ग्री पुरस्कार प्रदान किया गया। ये आपको अभी जो है कोविड-19 से लड़ने में जो है इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका रही है, तो इसलिए इन्हें जो है आपको इंडिया टुडे हेल्थ ग्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? केरल को प्रदान किया गया। उसके बाद अगला आपको, अटल टनल रोहतांग का शुभारंभ भी किनके द्वारा किया गया है। अभी आपको हिमाचल प्रदेश में इस अटल टनल रोहतांग का शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये आपको हाल ही में जो है ये अटल टनल रोहतांग का शुभारंभ किया जा चुका है, जिससे आपको 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। ये आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से देखनी होगी, तो इससे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको जो है ज़रूरी है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, भारत और किसके बीच नौसैनिक अभ्यास बंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ। अभी अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आपको नौसैनिक अभ्यास, जिसका क्या नाम है आपको बंगो सागर, इसका दूसरा संस्करण, यानी कि पहला संस्करण हो चुका है, ये आपको दूसरा संस्करण है, कहाँ पर आरंभ हो रही है? तो बंगाल की खाड़ी में आरंभ होने जा रही है। कहाँ पे? तो बांग्लादेश में, भारत और बांग्लादेश के बीच ये होने जा रही है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टक्का। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करके रिकॉर्ड बनाने वाली इका क्या नाम है, जो कि केरल की रहने वाली है। ये आपको आरती रघुनाथ इनका नाम है। इन्होंने 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करके इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया। क्या नाम इनका? आरती रघुनाथ, जो कि केरल की निवासी है। इसका अगला है आपको, विश्व संयम दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को विश्व संयम दिवस मनाया जाता है। आपको हाल ही में 3 अक्टूबर को ये मनाया गया है। इसमें जो आपको जितने भी मादक पदार्थ होते हैं उत्पादक और इनका जो सेवन करने वाले होते हैं उनको जागरूक करने के लिए ये आपको प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को विश्व संयम दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारत और किन के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया। अभी आपको भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। अभी जो देख रहे हैं ढेर सारी परेशानी यहाँ हो रही है, उसके बाद आपको जो है अभी कोविड-19 के चलते ढेर सारी जो है व्यवस्थाएँ ठप हुई थी, उससे हमारे पर्यावरण को ढेर सारे लाभ हुए थे। तो अभी जो आपको भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद अगला आपको, पद्मश्री अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। अभी आपको पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता। आपको अभी पद्मश्री अभियान का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पे किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। कोलकाता आपको किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता आपको हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। वहाँ पर पद्मश्री अभियान का शुभारंभ किया गया है, यानी कि जितने भी सड़क अभी जो है ढेर सारे जो है सड़क डैमेज हो चुके हैं उनका मरम्मत करने के लिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो, क्योंकि सड़क खराब होने से ढेर सारी दुर्घटनाएं होती है। तो उन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अभी आपको पद्मश्री अभियान के माध्यम से सड़क की रिपेयरिंग कराई जा रही है, मरम्मत कराई जा रही है।
उसके बाद अगला आपको भारतीय तटरक्षक बोर्ड कनकलता बरुआ को कहाँ तैनात किया गया है, कहाँ अवस्थित किया गया, तो अभी आपको कोलकाता में भारतीय तटरक्षक बोर्ड, क्या नाम इनका, कोलकाता बरुआ, इसको आपको कोलकाता में तैनात किया गया है। उसके बाद अगला आपको जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है, अभी आपको हाल ही में जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जो कि आपको अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा, तो अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। उसके बाद अगला आपको रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, अभी आपको हाल ही में अहमदाबाद में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है, तो आपको अहमदाबाद में किया गया है। उसके बाद अगला आपको ऑनलाइन पेंशन संबंधित ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है, अभी आपको असम में, असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर में आपको ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम आपको कृतज्ञता पोर्टल, यानी कि पेंशन से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उन सभी को निपटाने के लिए आपको एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका नाम है कृतज्ञता पोर्टल। इसके माध्यम से कोई भी जो है व्यक्ति जो कि पेंशन लेने के लिए लायक है, तो वो इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे, साथ ही आपको वो कहाँ तक पहुँची है, उसकी प्रोसेस कहाँ तक हुई, वो उसको ट्रैक कर पाएंगे। तो ये आपको असम में लॉन्च किया जा चुका है, जिस पोर्टल का नाम है आपको कृतज्ञता पोर्टल। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको नई श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अभी आपको हाल ही में नई श्रम सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया, तो अपूर्व चंद्रा को नए श्रम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद अगला आपको भारत और किस देश ने डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, अभी अपना देश भारत और नीदरलैंड ने डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और किसके बीच, तो नीदरलैंड के बीच, किनके लिए, तो डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, अभी इन दो देशों के बीच हुआ है। उसके बाद आपको आज का अंतिम प्रश्न है दिव्यांग युद्ध साइकिल रैली का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, अभी आपको हाल ही में किरण रिजिजू द्वारा जो है आपको दिव्यांग युद्ध साइकिल रैली का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, तो दिव्यांग युद्ध साइकिल रैली का उद्घाटन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए एक सेशन के लिए, तब तक जो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ लाभ मिल सके।